हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चारा वाली फसलें। कौन सी फसलें? चारा वाली फसलों के बारे में देखेंगे, फूडर क्रॉप के बारे में। तो बरसीन, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंडिनम, ठीक है ना। तो किंग ऑफ फूडर क्रॉप किसे कहते हैं? बरसीन को बोलते हैं। बरसीन जो है चारे वाली फसलों को राजा होता है। अगर रानी की बात कही जाए, क्यों किसे कहते हैं, तो रिजिका को कहते हैं, लूशन को कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम, वनस्पतिक नाम क्या होता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंडिनम, ठीक है। किस फैमिली से है? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से है। किससे है? लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र संख्या, क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 16 होता है। फिर बात की जाए उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल क्या है यानी ओरिजिन, तो एशिया माइनर यानी मिस्र में है। कहाँ पर इसका उत्पत्ति कहाँ मिलता है, उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, तो मिस्र में है। बरसीम हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। हे बनाने के लिए बरसीम जो है सबसे उपयुक्त फसल है। बरसीम का जो चारा होता है, जो पशुओं को खिलाते हैं हरे चारे के रूप में, इसमें पाचनशीलता 70% होती है। कहने का मतलब बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्रूड प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है, तो 20% होता है। कितना परसेंट होता है? 20% होता है। बरसीन के जो पुष्प होता है, पुष्प का प्रकार कैसा होता है, इनफ्लोरेंसेस, वो होता है रेसिमोस। किस टाइप का होता है? रेसिमोस टाइप का होता है। फिर बात करते हैं जो फली होती है, फल होता है, उसका प्रकार कैसे, यानी फलियां किस प्रकार क्या कहलाती है, पौड कहलाती है। क्या कहलाती है? पौड कहलाती है। फिर आते हैं, बात करते हैं बरसीम में जलवायु, यानी कैसी जलवायु में कल्टीवेट किया जा सकता है। तो बरसीम जो है आपका रबी मौसम का फसल है। किस मौसम की फसल है? रबी मौसम की फसल है, यानी कि ठंडे मौसम की फसल है। तो इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? शुष्क होनी चाहिए एवं ठंडी जलवायु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शुष्क एवं ठंडी जलवायु होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, पौधों की वृद्धि के लिए या उसके वेजिटेटिव पार्ट के जो है ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 18 से 25 सेल्सियस। 18 से 25 सेल्सियस जो है उसके वृद्धि के लिए, उसके पौधों के लिए, क्रॉप के लिए, ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है। अंकुरण टाइम क्या टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि बरसीम के सीडों को जर्मिनेट होने के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो 25 सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसकी बुआई जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मृदा की बात करते हैं। किसकी मृदा? मृदा कैसे होनी चाहिए? भारी मृदा यानी दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? दोमट मृदा होनी चाहिए जिसका पीएच रेंज जो है 6 से 8 के बीच में बढ़िया होता है। बेस्ट कल्टीवेशन के लिए 6 से 8, यानी कि अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया उत्पादन चारे का खेती करना है तो दोमट मृदा बढ़िया होता है। और इसको जो है बरसीम को जो है क्षारी मृदा में भी उगाया जा सकता है। किसमें? क्षारी मृदा में उगाया जा सकता है, क्योंकि 7.5 के ऊपर मृदा क्षारी हो जाती है, तो क्षारी मृदा में भी उगाया जा सकता है। फिर आगे इससे कुछ संबंधित किस्में हैं, मुख्य किस्में, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रकार की किस्में पाई जाती है, एक डिप्लॉइड होती है, एक टेट्राफोलाइड। दो प्रकार की किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? डिप्लॉइड एंड टेट्राफोलाइड, यानी द्विगुणित और चतुर्गुणित। तो इनके अनुसार यानी कि कैटेगराइज किया गया है। तो द्विगुणित किस्में कौन कौन सी हैं? द्विगुणित किस्में के अंतर्गत मस्कावी है। कौन सी है? मस्कावी, खदरावी, फाहली, छिंदवाड़ा, वरदान और BL1। ये जितनी भी वैरायटियां हैं 4-5, ये द्विगुणित हैं, यानी कि मस्कावी, खदरावी, फाहली, छिंदवाड़ा, वरदान और BL1, ये द्विगुणित हैं। फिर उसके बाद टेट्रापोलाइड वैरायटी के बारे में देख लेते हैं, जिसमें की है आपकी पूसा जयंत। कौन सी है? पूसा जयंत है, पूसा विशाल है, फिर BL10 है और फिर BL22 है, ठीक है। ये आपकी चतुर्गुणित है। टेट्रापोलाइट किसमें है? कैसी किसमें? टेट्रापोलाइट किसमें है। फिर बात करते हैं बीज दर, बुआई करना है तो 1 हेक्टेयर के लिए कितना बीज होना चाहिए बुआई करने के लिए, ठीक है। बरसीम की बुआई करनी है तो कितना सीड रेट चाहिए, 1 हेक्टेयर में बोना है तो कितना बीज होना चाहिए, तो 25 से 30 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर आप जल्दी बो रहे हैं तो 35 किलोग्राम, अर्ली सोइंग में
सीड ज्यादा लगता है, क्या सीड ज्यादा लगता है 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। फिर बीज को उपचारित करना है, क्या करना है बीज को उपचारित करना, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा सीड को ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, तो सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, 10% नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बीज में कासनी के बीज मिश्रित होते हैं। किसके, कासनी के बीज, यानी कासनी का जो बीज को अलग करने के लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। कासनी क्या है, एक तरह का वीड है, क्या है वीड है। ये कह लीजिए कि बरसीम का जो है मुख्य खरपतवार क्या है, आपका कासनी है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्या, चिकोरिया इंटाइवस, चिकोरिया इंटाइवस। ठीक है, क्लियर बात। होता क्या, जब नमक के घोल में 10% नमक के घोल में डालते हैं तो जो कासनी के बीज हैं पानी में ऊपर तैरने लगते हैं और उनको हटाकर अलग कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं वीट कंट्रोल की, जो आपका वीट कंट्रोल है, जैसे कि आपने पढ़ा है इसका मेजर वीट कौन सा है, कासनी है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है चिकोरिया इंटाइवस, मेजर वीट है इसका। ठीक है, कैसे, एक तो बुआई के समय हम ट्रीटमेंट कर लेंगे तभी खत्म हो जाएगा, और इसको केमिकल रूप से, यानी केमिकल से कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल तो डाइनोसोल का प्रयोग करेंगे, डाइनोसोल एसीटेट का प्रयोग किया जाएगा। किसका, डाइनोसोल एसीटेट का 1.5 किलोग्राम, क्या 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सोविंग टाइम, बरसीम का बुआई का समय, जैसे कि पहले बताया अक्टूबर, अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है तभी से जो है इसकी बुआई शुरू हो जाती है। ठीक है, लास्ट तक, अक्टूबर के लास्ट तक इसकी बुआई होती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि FYM यानी कि खाद जो होता है, फार्म यार्ड मैन्योर 10 से 15 टन पर हेक्टेयर डालते हैं, कितना डालते हैं 10 से 15 टन पर हेक्टेयर डालते हैं। फिर इसमें नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है, और फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम। पोटाश तब डालते हैं जब सीड का प्रोडक्शन करना होता है तब पोटाश डालते हैं, अन्यथा की स्थिति में जब चारे का प्रयोग करना होता है तो पोटाश की जरूरत नहीं होती, नाइट्रोजन की ही जरूरत होती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ चाहिए। नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पौधों की वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग पहली हार्वेस्टिंग कब करेंगे, 55 से 60 दिन में। ठीक है, फर्स्ट कटिंग कब होगी, 55 से 60 दिन में। फिर दूसरी कटिंग कब होगी, 25 से 30 दिन में। दूसरी कटिंग कितने दिन में होगी, 25 से 30 दिन में होगी। फिर तीसरी कटिंग कब होगी, 25 से 30 दिन में। केवल पहली जो कटाई होगी वो जो है 55 से 60 दिन या 50 से 55 दिन में होती है, और उसके बाद की जो कटिंगें होती है महीने भर के अंतराल में कर ली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं डिजीज की, इसमें कौन कौन से डिजीज लगता है। तो इसमें जो आपका है मेजर डिजीज स्टेम रॉट है, क्या है स्टेम रॉट, जो कि स्क्लेरोटिनिया इस डिजीज के कारण होता है। कौन सा पैथोजन होता है, स्क्लेरोटिनिया स्पेसीज के कारण, किसके कारण, स्क्लेरोटिनिया स्पेसीज के कारण होता है। ठीक, फिर उसके बाद यही एक मेजर डिजीज होता है इसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन सा लगता है इसमें, कैटरपिलर लगता है और एफिड लगते हैं दोनों, तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेंगे कोई भी। ठीक है ना, तो मेलाथियन 5% का बुरकाव करना चाहिए, कितना 5% का बुरकाव कर देना चाहिए। फिर लास्ट बात करते हैं एल्ड, उपज कितनी होती है, यानी कि इसमें अगर सीड प्रोडक्शन के लिए बोया गया है तो सीड प्रोडक्शन में सीड कितना प्राप्त होगा, तो सीड प्रोडक्शन के लिए अगर बोया गया तो 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड प्राप्त होगा, अगर चारा के पर्पज के लिए बोया गया है तो 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त होता है। क्लियर, कितना होगा, 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।